अलीगढ़ में हजारों को पशुओं की जान लेने वाले लंबी वायरस के बाद अब सूकरों में फैलने अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पशुपालन विभाग ने हड़कंप मचा दी है। संभागीय सूकर प्रजनन केंद्र में 4-5 दिन में 50 से अधिक सूकरों की मौत हो चुकी है। बरेली के इज्जत नगर स्थित भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान इनमें से कुछ टुकड़ों से अफ्रीकन स्वाइन फीवर फैलने की पुष्टि किया है। डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने इस घातक बीमारी की पुष्टि होने के बाद जो प्रभावित क्षेत्र में सूकरों ने आवागमन पर रोक लगा दी है। संभागीय सूकर प्रजनन केंद्र में 300 सूकर हैं। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेश पाल सिंह ने बताया है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर सूकरों में फैलने वाली एक गंभीर बीमारी है। दुनिया में अब तक इसका कोई इलाज नहीं है। जिला स्तर पर पशुपालन विभाग की ओर से इसके संपन्न संक्रमण के बचाव के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। बरेली के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के, जैसे उसके मल के, उसके सीरम के, उसके अन्य स्रावों का सैंपल लिया गया और उसकी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई। ये एक नोटिफाइबल डिजीज है जिसके क्रम में डीएम सर के द्वारा इसके मांस और इसके बाजार, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और ये बीमारी, मैं बताना चाहूँगा कि ये इंसानों में नहीं फैलती, ना ही ये बीमारी सूअरों से अन्य किसी पशुओं में फैलती है। और जो हमारा CDF केंद्र है, ये एक चार दीवारी से घिरा हुआ क्षेत्र है और इसके लगभग 2.5-3 किलोमीटर क्षेत्र में कोई भी किसी प्रकार की सूअरों की आबादी नहीं है।